तारीख 21 फरवरी जाड़े का मौसम, देर रात हेडमास्टर राजवीर सिंह के फोन की घंटी बजती है। इतनी देर रात फोन की घंटी बजने से घबराए मास्टर साहब हड़बड़ी में फोन उठाते हैं। दूसरी तरफ से आवाज आती है कि चैन सर, यह कॉल 10 पैरा स्पेशल कमांडो फोर्स जम्मू यूनिट से है। एक ऑपरेशन के दौरान आपके बेटे को गोली लगी है और उन्हें अभी हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है। हेडमास्टर राजवीर फौरन जम्मू निकलने के लिए तैयारी में लग जाते हैं। तभी एक और कॉल आती है और उन्हें फिर बताया जाता है कि उनके बेटे को बचाया नहीं जा सका और वो देश के लिए शहीद हो गए हैं। माँ भारती की इस लाल की जब शहादत हुई तो उसकी उम्र मात्र 23 साल थी। इंडियन आर्मी ज्वाइन की हुए उन्हें अभी मात्र 3 वर्ष हुए थे। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ इंडियन आर्मी के एक ऐसे ऑफिसर की कहानी जिसे सुनकर आपकी आंखें नम और सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। यह कहानी एक ऐसे जाबाज की है जिसका जन्म इंडियन आर्मी में सर्व करने के लिए हुआ था। यह कहानी है 10 पैरा एसएफ के उस महावीर की जिसके अदम्य साहस और बेमिसाल बहादुरी की वजह से उसे भारत का तीसरा सर्वोच्च सम्मान शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। इंडियन आर्मी के इस महाबली का नाम है कैप्टन पवन कुमार। पवन कुमार का सेना में जाना महज कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि वो अपनी किस्मत लिखवा कर आए थे। 15 जनवरी 1993 के रोज जब सारा देश आर्मी डे मना रहा था तो हरियाणा राज्य में जींद जिले के बधाना गांव में मास्टर राजवीर सिंह और श्रीमती कमलेश के घर पवन का जन्म हुआ। पवन ने नैतिक मूल्य अपने पिता से और मातृभूमि के प्रति प्रेम अपनी माँ से सीखा। उन्होंने अपने युवा दिनों से ही सशस्त्र बलों में शामिल होने का विचार पोषित किया था और उसे सच भी किया। गवर्नमेंट हाई स्कूल से 10वीं और BRCM स्कूल से 12वीं करने के बाद कैप्टन पवन ने NDA के 123 कोर्स से ट्रेनिंग कंप्लीट किया और फिर इंडियन मिलिट्री एकेडमी के लिए भी 1 ईयर गए। 14 दिसंबर 2013 के दिन उन्हें सेना में कमीशन दिया गया। उनकी पैरेंट रेजिमेंट डोगरा रेजिमेंट की 7 डोगरा थी। यह एक इन्फेंट्री रेजिमेंट है और अपने वीर सैनिकों और कई युद्ध कारनामों के लिए जानी जाती है। कैप्टन पवन अपने गाँव से NDA ज्वाइन करने वाले पहले शख्स भी बने। एक बार गाँव की एक महिला ने कैप्टन पवन की माँ से पूछा, थारा एक ही बालक है और वो भी तुमने फौज में भेज दिया? तो श्रीमती कमलेश ने बड़े गर्व से कहा, देश पहले या बालक पहले? जरा इस बात की गहराई को समझिए। एक साधारण परिवार, उसका इकलौता बेटा और उस कलेजे के टुकड़े को देश सेवा के लिए भेज देना, वो भी ये जानते हुए कि उनके बेटे के जीवन की कोई गारंटी नहीं है। सच में इस देश से महान यहाँ की माँ है। हमेशा होनहार कमांडो की तलाश में रहने वाले पैरा ट्रूपर्स ने लेफ्टिनेंट पवन कुमार को जनवरी 2015 में एक कॉम्पिटिशन के दौरान पश्चिमी कमान के दस्ते का नेतृत्व करते हुए देखा और उन्होंने अपने साथ ले लिया। 3 महीने के कठोर प्रोविजन पीरियड और 5 अनिवार्य पैरासूट कूद के बाद 1 जून 2015 को लेफ्टिनेंट पवन कुमार एक कमांडो के रूप में मशहूर 10 पैरासूट बटालियन में शामिल हुए। 10 पैरा एसएफ को डेजर्ट स्कॉर्पियन के नाम से भी जाना जाता है। किस यूनिट के जवान और ऑफिसर्स को डेजर्ट वॉरफेयर के लिए स्पेशली ट्रेन किया जाता है। मरून बैरे और बलिदान बैच पहने हुए कैप्टन पवन कुमार को इस यूनिट का हिस्सा होने पर गर्व था, जिसके लिए मिशन की उपलब्धि ही मायने रखती थी और राष्ट्र हमेशा पहले आता है। और अभी कैप्टन पवन को सेना को ज्वाइन किए हुए मात्र 3 साल हुए थे। उन्हें अब तक 4 सफल ऑपरेशन लीड करते हुए 6 हार्डकोर आतंकी को मार गिराया था। 23 जनवरी को पुलवामा में एक ऑपरेशन के दौरान पवन को गोली लगी थी और वो घायल हो गए। उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया जहां डॉक्टर्स ने उन्हें 2 हफ्ते की छुट्टी पर भेज दिया। पर कैप्टन पवन के रगों में तो देशभक्ति का खून बह रहा था। उन्होंने छुट्टी लेने से मना कर दिया और अपनी कमांडो टीम के साथ अगले ऑपरेशन के लिए तैयारी में लग गए। 20 फरवरी 2016 कैप्टन पवन अपनी यूनिट बेस पर बैठकर हमेशा की तरह अपने फोन में फेसबुक चला रहे थे। न्यूज फीड में JNU में होने वाले छात्र प्रदर्शन और हरियाणा में होने वाला जाट आंदोलन की खबर देखकर उनका मन मायूस हो गया। उन्होंने अपनी एक सेल्फी क्लिक और फेसबुक पर अपलोड की और कैप्शन में लिखा, किसी को तो रिजर्वेशन चाहिए तो किसी को आजादी भाई, हमें तो कुछ नहीं चाहिए, हमें बस चाहिए अपनी रजाई। कुछ देर बाद उनके फोन पर हेडक्वार्टर से मेजर तुषार का कॉल आता है और वो उन्हें बताते हैं कि पुलवामा डिस्ट्रिक्ट के पंपोर में कुछ टेररिस्ट CRPF के कार्रवाई पर हमला करके JKEDI जम्मू कश्मीर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट के कैंपस में घुस गए हैं, जहां अभी 100 से ज्यादा लोग मौजूद हैं। मेजर तुषार पूरी बात बताकर कैप्टन पवन को उनके स्क्वाड के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर ऑपरेशन खत्म करने का ऑर्डर देते हैं। मैसेज मिलते ही कैप्टन पवन अपने स्क्वाड को इकट्ठा करने का ऑर्डर देते हैं और भारी बारिश के बीच मेजर तुषार और दूसरे स्क्वाड के साथ पंपोर के लिए निकल जाते हैं। पंपोर पहुंचते ही कैप्टन पवन और टीम का स्वागत लोकल पत्थरबाज करते हैं। ये कैप्टन पवन के लिए कुछ नया नहीं था। अभी बीते दिनों में एक ऑपरेशन के दौरान भी पत्थरबाजों ने उनके ऊपर खूब पत्थर बरसाए थे। एक पत्थर तो कैप्टन पवन के मुंह में आकर लगी थी और उनका चेहरा लहूलुहान हो गया था। फिर भी पूरा ऑपरेशन उन्होंने खत्म किया। आज भी वही हालात थे। भीड़ को चीरते हुए जब कैप्टन JKEDI की बिल्डिंग के पास पहुंचते हैं तो वहां उनकी मुलाकात CRPF राष्ट्रीय राइफल्स JNK की पुलिस
एसओजी के ऑफिसर से होती है। वहां पहुंचकर कैप्टन पवन को पता चलता है कि टेररिस्ट जेकेईडीआई बिल्डिंग में टॉप फ्लोर पर थे और वहां से लगातार इंडियन आर्मी के ऊपर गोलियां बरसा रहे थे। वहां मौजूद सुरक्षा बलों की एक ही प्राथमिकता थी कि बिल्डिंग में फंसे लोगों को बचाना। किसी तरह डायवर्जन करके सीआरपीएफ की एक टीम को लोगों को बाहर निकालने में लगा दिया जाता है, मगर अभी ऊपर के फ्लोर में कुछ लोग मौजूद थे, जिसका मतलब था कि ऑपरेशन किसी भी समय एक होस्टेज सिचुएशन में जा सकता था। शाम होने लगती है और किसी भी रिस्क से बचने के लिए कुछ सुरक्षा अधिकारी यह तय करते हैं कि कल सुबह पहली किरण के साथ ऑपरेशन को नए तरीके से स्टार्ट किया जाएगा। मगर कैप्टन पवन के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो पूरे बिल्डिंग की एक रेकी करते हैं और मेजर तुषार को आज रात ही ऑपरेशन खत्म करने के लिए समझाते हैं। शुरू में तो मेजर तुषार मना कर देते हैं, मगर कैप्टन के इंसिस्ट करने के बाद तुषार को ये बात समझ आ जाती है और उनकी बात मान जाते हैं। मेजर तुषार कैप्टन पवन को ऑर्डर देते हैं कि वो अपने स्क्वाड के साथ बिल्डिंग के अंदर घुसकर असॉल्ट करने की परमिशन दे देते हैं। कैप्टन पवन कुमार फौरन अपने स्क्वाड को इकट्ठा करके ऑपरेशन की डिटेल ब्रीफ करते हैं और मेंबर्स को तैयार होने के लिए कहते हैं। सारे कमांडो पूरे बैटल गियर के साथ खुद को तैयार करते हैं और तब शुरू होता है रियल वार गेम। तारा ऐसा अपनी ऑपरेशन डिटेल सीआरपीएफ, आरआर और जेएन के पुलिस को बताते हैं और उन्हें एक पेरीमीटर से बैकअप देने के लिए कहते हैं। कैप्टन पवन मेजर तुषार को बताते हैं कि बिल्डिंग के सामने के रास्ते से घुसना नामुमकिन है और वो बिल्डिंग के पिछले सीढ़ियों से जाकर ऑपरेशन को अंजाम देंगे। बाहर से सुरक्षा बलों की कवर फायर की मदद से कैप्टन पवन फौरन अपनी टीम के साथ बिल्डिंग के अंदर घुस जाते हैं। सावधानी से एक एक फ्लोर को चेक करते हुए कैप्टन पवन आगे बढ़ते हैं। अभी वो पांचवें फ्लोर पर चढ़ ही रहे होते हैं तभी मेजर तुषार का वायरलेस मैसेज आता है। मेजर तुषार बोलते हैं कि आतंकियों ने फायर करना बंद कर दिया है और पता नहीं अब उनका अगला कदम क्या होगा, तुम सावधानी से रहना। कैप्टन पवन और भी सावधानी से ऊपर बढ़ते हैं। आखिरी फ्लोर पर पहुंचकर वो और उनकी स्क्वाड एक कॉरिडोर में पहुंचती है जहां दो कमरे थे। मुश्किल अब ये थी कि आतंकी दोनों में से किसी भी कमरे में हो सकते थे। कुछ देर रुककर कप्तान पवन एक किक से एक दरवाजे को तोड़ देते हैं और जैसे ही दरवाजा टूटता है अंदर से ताबड़तोड़ गोलियां चलना स्टार्ट हो जाती है। गोलियों से बचने के लिए कैप्टन पवन कमरे में घुसकर छिप जाते हैं, मगर अब तक उन्हें दो गोलियां लग चुकी थी, एक उनके कंधे पर, दूसरी बाई छाती पर। लेकिन तीसरी गोली चलने से पहले ही कप्तान पवन अपनी राइफल का ट्रिगर दबा देते हैं और इससे सामने खड़ा आतंकी वहीं ढेर हो जाता है। इस आतंकी को मारने के बाद कैप्टन पवन जैसे ही आगे बढ़ते हैं कुछ और गोलियां उनके शरीर में आकर धंस जाती हैं और उन्हें ढाल होकर के गिर जाते हैं। इस हालात में भी वो गोली चलाकर आतंकी को मार गिराते हैं। उनके साथी कमांडो उन्हें पीछे खींचने लगते हैं और बिल्डिंग से बाहर निकालने लगते हैं। इतनी गोलियां लगने के बाद भी कैप्टन पवन मेजर तुषार के कानों में कहते हैं, अंदर और है सर, आप अंदर जाओ। फौरन कैप्टन पवन को श्रीनगर स्थित 92 बेस हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, पर कुछ घंटों बाद 21 फरवरी का सूरज निकलने से पहले 10 पैरा एसएफ का यह सूरवीर अपने प्राण का त्याग करके वीरगति को गले लगा लेता है। कैप्टन पवन के इस टैक्टिकल स्टेप की मदद से आर्मी को सभी आतंकवादियों को खत्म करने में काफी मदद मिली और 48 घंटे के भीतर इस ऑपरेशन को खत्म कर दिया गया। शहीद कैप्टन के पिता राजवीर सिंह को जब बेटे की शहादत का पता चलता है तो पल उनके लिए गर्व करने वाला था। मास्टर जी का कहना था, मैं गर्व पूरी गर्व है मेरे, अब मेरा बेटा शहीद हुआ है, अकेला बच्चा था मेरा, हाँ एक ही था, अब देश की सेवा करेगा, लेकिन उसने पूरा काम किया अपना, एक पिता के लिए इससे बड़े गर्व की बात कुछ नहीं हो सकती है। महज 23 वर्ष में उनका बेटा अंतिम सांस तक देश के लिए लड़ा और शहीद हो गया। अंतिम संस्कार के लिए कैप्टन पवन के पार्थिव शरीर को जब उनके घर ले जाया जा रहा था उस वक्त वहां आरक्षण के आंदोलन हो रहे थे। आर्मी के केवल एक ही अपील पर जींद के आसपास की सारी बंद सड़क खाली हो जाती है और जब शहीद पवन का शरीर आता है तो जींद ही क्या, आसपास के सभी इलाके के लोग अपने बेटे को श्रद्धांजलि देने आते हैं। मास्टर राजवीर सिंह अपने शहीद बेटे को बस निहारते रहते हैं। उनकी माँ को जब बाहर बुलाया जाता है तो अपने बेटे को ताबूत में लेटा देख कर बेहोश हो जाती है। माँ भारती के इस लाल को तिरंगे में देख कर आंखें सबकी नम जरूर थी, लेकिन सर फक्र से उठा हुआ था और सीना गर्व से चौड़ा था। कैप्टन पवन कुमार को मरणोपरांत उनके असाधारण साहस, उत्तम नेतृत्व क्षमता और सर्वोच्च बलिदान के लिए 15 अगस्त 2016 को भारत का तीसरा सर्वोच्च शांतिकालीन पुरस्कार शौर्य चक्र दिया गया। धन्य है ऐसे माँ बाप जिन्होंने ऐसे रणवीर को जन्म दिया। मैं और पूरा देश ऐसे महावीर को, ऐसे योद्धा को सत सत नमन करता है। शहीद कैप्टन पवन कुमार के इस अमर बलिदान का हर भारतवासी उम्र ऋणी रहेगा और ऐसे डिफेंस से जुड़ी हुई और कहानियों को जानने के लिए, ऐसी स्टोरीज जो आपका दिल दहलाएं, ऐसी स्टोरीज जो आपके आंखों में कहीं ना कहीं थोड़े से पानी ले आएं, ऐसी स्टोरीज जो आपके रोंगटे खड़े कर दें, ऐसी स्टोरीज जो आपके दिल और आत्मा के करीब हो, ऐसी ही कहानी को सुनने के लिए फटाफट सौरभ सर का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, इन वीडियोज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और बिल्कुल जिस रियल हीरो की अगली कहानी सुनना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में आप जरूर कहें। ऐसे ही प्रेम और भरोसा बनाए रखिए। मैं आपके लिए इस देश के
के सारे रियल हीरोज की कहानी ले आऊंगा। और वाकई में आप कहते हैं रियल मोटिवेशन क्या होता है सौरभ सर, तो मुझे लगता है कि इन कहानियों को सुनिए और इन कहानियों को महसूस करिए और इन कहानियों को सुनाइए, यह है रियल मोटिवेशन और यही आपको इस देश में गर्व महसूस करने की वजह देगा, हमारी इंडियन डिफेंस फोर्सेस पे गर्व महसूस करने की वजह देगा और जिंदगी में कुछ कर गुजरने की एक बड़ी वजह देगा। तो बिल्कुल ऐसे ही प्रेम, ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखें। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल गुड लक, जय हिंद जय भारत।